नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल बंसल, योग व प्राकृतिक चिकित्सक, आपका स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में। जो आप बहुत बड़ी बीमारी समझ रहे थे दोस्तों डायबिटीज की, वो आपने देख लिया वो कुछ भी नहीं है, बस हमारे गलत सोच के कारण डायबिटीज धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और जिसका हम कोई समाधान ही नहीं पाते, फिर और बीमारी बढ़ जाती है और बढ़ जाती है, आदमी फिर लौट के आ ही नहीं पाता। अभी कल खबर मिली मेरे को, एक हमारे दोस्त थे, मतलब कई बार मिलते थे, ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ कितने 58 साल के हुए थे, 58 से भी कम के ही थे, तो कल उनकी डेथ का समाचार आ गया। जबकि हमारा दोस्त था, आज तक उसने मेरे को ये नहीं बताया कि मेरे को डायबिटीज़ थी, आज तक नहीं बताया उसने। तो कल एकदम मैंने मतलब सुना तो मैं भी अच्छा ना, मैंने फिर पूछा भाई क्या तकलीफ थी, ऐसा ही हो तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। कह रहे जी वो डायबिटीज़ थी, डायबिटीज़ बढ़ी रहती थी, दवाई पर दवाई करते रहते थे, तो अब चले गए। मैं भी देख कर देख रहा, मैं कहा जी आज तक तो उन्होंने बता ही नहीं कि मेरे को डायबिटीज़ है। बोले जी वो बताते नहीं थे किसी को भी। मैं कहा यार अच्छा कमाल हो गया, मतलब हम कहते हैं ना, इसलिए हम चाह कर भी किसी को ठीक नहीं कर सकते दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ हम चाह कर हम हर एक को ठीक नहीं कर सकते, चाहे बेशक पास भी रहता हो, जब भी नहीं ठीक कर सकते। जब तक उपाय ना करे जाके तो कैसे बात बनेगी। अभी पहले एक पेशेंट से मिलाता हूँ, इनसे मिले ये क्या कह रहे हैं, एक बार सुने इनसे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम स्वर्ण सिंह है। कारण क्या? स्वर्ण सिंह जी रिवाड़ी में। रिवाड़ी में क्या क्या तकलीफ थी आपको? ऐसा जी शुगर था और एक ही क्या कहते हैं अपना थायराइड और बवासीर। कितने साल से थी आपको? वो तो करीब 2 साल से। अच्छा, तो कितना आराम पड़ा शुगर में, बवासीर में, वैद्य उपचार करने के बाद क्या फर्क पड़ा? उसमें जी 30% एक महीने दवाई ली, 30% है जी। अच्छा, एक महीना ही वैद्य उपचार किया, 30% आराम। और शुगर? शुगर का वो आपका टमाटर जो उससे लिया था, उससे भी आप समझो कि जो 130 थी वो 77 पे आ गई। अच्छा, वो तो नॉर्मल ही हो गया, तो दवाई नहीं खा रहे? नहीं, दवाई कुछ नहीं। अच्छा, मतलब आपकी बात तो मैंने देखा जी, दम है जी इनमें, तो ये नकली बातें नहीं है, आपकी बात सच्चाई है जी। अच्छा, चलो बहुत अच्छा। और उपाय क्या दिया? तो नहीं लगाया, बाकी नेल्स का फर्क है जी, वो तो धीरे धीरे टाइम तो लगता है, बाकी जैसे आप जो बता रहे हो आप में सब कुछ सही है। सही है? हाँ जी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है। सही है ना जी? हाँ जी। देख लो दोस्तों, कह रहे जो बात बताते सही, क्योंकि हमने झूठ आज तक बोली ही नहीं दोस्तों। एक करेला, 3-4 टमाटर, पालक के पत्ते, मेथी के पत्ते, या जामुन के पत्ते, या आम के पत्ते, या 1-2 नीम का पत्ता, अगर ये डाल के भी पियोगे, जैसे थायराइड है तो ये धनिया डाल के पियेंगे तो और ज़बरदस्त इनको लाभ मिलेगा। जिनको थायराइड है या सूजन रहती है तो धनिया के पत्ते डाल के जूस में पिए, बहुत ही अच्छा है। और जिनका मोटापा है तो इसी में करेले टमाटर में सफ़ेद पेठा, जिसकी मिठाइयाँ बनती है सफ़ेद पेठा, ऊपर से हरा होता है, नीचे से अंदर से सफ़ेद होता है, उस पेठे का अगर आप जूस पियेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ेगा। और गेहूं की, चने की, जौ की और ज्वार की, इस आटे को भून के इसकी आप रोटी खाएं, आप देखेंगे दिन रात का अंतर महसूस करेंगे दोस्तों। ये डायबिटीज़ की बीमारी कब आपको बहुत अच्छा आराम देगी पता ही नहीं चलेगा आपको, लेकिन ताकत आपके अंदर बढ़ेगी बहुत ही। हर रात को दूध माल दी और थोड़ा सा लहसुन डाल के उबाल कर आप पिए, इससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और खाना खाने के बाद गर्म पानी पिए, कागासन में बैठ के पियेंगे तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। फिर आधा घंटा कम से कम टहले, यानी 20 मिनट तो कम से कम तेज कदमों से चले, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और सुबह और शाम दोनों टाइम हो सके तो गरुंगना पानी बैठ के कागासन में बैठ के पियेंगे तो डायबिटीज में बहुत अंतर पड़ेगा, क्योंकि उससे कब्ज टूटेगी, कब्ज टूटेगी तो धीरे 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 बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जो आपका ये कब्ज की जो बीमारी है वही डायबिटीज को बढ़ा देती है, आपको पता भी नहीं चलता, आपको लगता है रोज लैट्रीन आ रही है जी, कब्ज नहीं है, लेकिन ये कब्ज होती है दोस्तों, ये चिपकी हुई छुपी हुई कब्ज होती है। जैसे कर्ज होता है ऐसे ही कब्ज भी बहुत होती है, जैसे कर्ज की आप किस्त दे रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है, लेकिन वो कर्ज धीरे धीरे कई बार आप टॉप अप करा लेते हो फिर बढ़ा लेते हो तो बढ़ता चला जाता है कब्ज, कभी कर्ज उतर के नहीं देता, फिर आप मतलब चक्कर में ऐसे फंसते हो आप, तो ऐसे ही कब्ज की बीमारी है, धीरे 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 पनपती रहती पता ही नहीं चलता। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, फिर कल मिलते हैं इसी चैनल पर इसी समय आपके साथ।